Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an eyefight, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFAite. Yes, I am an IFAite. Design your future. विकासखंड अकोला के ग्राम प्रधानों के हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ ब्लॉक अकोला के समस्त प्रधान न्याय की गुहार लगाने मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे। विकास कार्य कराने के नाम पर किए जा रहे उत्पीड़न से आक्रोशित प्रधानों का कहना है कि अगर प्रधानों का उत्पीड़न नहीं रोका गया तो मजबूरन प्रधान अपने पदों से इस्तीफा देने का काम करेंगे। हमारे कमिश्नर साहब ने हमारे खिलाफ FIR के आदेश पारित कर दिए हैं, जो विपक्षी की जांच में हमको गलत दोषी पाया गया, जबकि हमारा पक्ष सुना भी नहीं गया है। हमने जिस काम को किया था, हमारे कागजों में पूरा काम वही है। प्रिया सब की गलती से दूसरा कार्य उसमें फीड कर दिया है, वह कार्य हमने करवाया ही नहीं है। हमने जिस कार्य को करवाया है उसकी शिकायत दूसरी तरह से कर दी गई है। जो हमारा वास्तविक काम था उसको अनदेखा किया गया है, और जो हमने करवाया नहीं उसी की शिकायत की गई है। क्या करने वाले हैं आप लोग? हम अकोला ब्लॉक से हैं, सारे प्रधान 38 प्रधान हैं, 38 प्रधान इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, और हम सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। यदि हम दोषी है तो उसकी सजा पाने के लिए हम तैयार हैं, और हम निर्दोष है तो हमारे लिए इस तरह की कार्यवाही नहीं की जाए। मंडल कार्यालय पर पहुंचे प्रधानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। शिकायतों पर हो रही एक पक्षीय कार्रवाई की बात कहते हुए प्रधानों का आरोप है कि शिकायतकर्ता विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने की नीयत से शिकायत कर रहा है। मैं जितेंद्र सिंह, ऐसा है झूठी झूठी शिकायतों के लिए जो है हम प्रधान लोगों को अखबार में रोज डाल दिया जाता है। तमाम जो है विरोधी गांव में हैं, और जो विपक्ष में कल हमारे विपक्ष में खड़े हुए थे वो झूठी झूठी शिकायतें लेके अधिकारियों के पास चले जाते हैं। उसके लिए जो है प्रधान जो है कहाँ तक जिम्मेदार हैं? अखबारों में आता है, हमारा भी मान सम्मान है, हमारा भी परिवार है। झूठी झूठी शिकायत है उसके लिए FIR दर्ज करना, हम कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? इसके लिए जो हमने अधिकारियों के पास यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए, अगर हमारी मांगें नहीं सुनी जाती, हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमारी बात को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, तो हम सारे प्रधान मिलकर और जो है त्यागपत्र देने के लिए जो तैयार हैं। हमारे अकोला ब्लॉक में 38 प्रधान है, 38 प्रधानों की कल शाम को मीटिंग हुई है, और आज हम कमिश्नरी पर यहाँ इसी पर्पज से आए हुए हैं। ये हमारे जो है गहरा खुद से जो है गहरा कला से हर्ष प्रधान जी के खिलाफ जो जांच की गई है, इसमें जो इनके जो प्रधान पक्ष को बिल्कुल सुना नहीं गया है, और बसेरी चार का भी मामला इसी पर्पज से है। बसेरी चार में भी एक उसी तरह का केस है। क्षेत्र के विकास के लिए आवाज उठाने वाली सावित्री देवी के मामले के बाद विकास खंड अकोला में प्रधान परेशान है। विकास कार्यों को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। समस्त प्रधानों में मंडलायुक्त कार्यालय से निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की मांग करते हुए प्रधानों के उत्पीड़न को रोकने की मांग भी की है। हम लोगों की मांगें ये हैं कि सांच को आंच नहीं, अगर हम कहीं दोषी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो बिल्कुल हमारे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अधिकारी करें, हम उसके लिए तैयार हैं। मगर शिकायतकर्ता की झूठी शिकायतों पर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है इस तरीके से कि हर्ष प्रधान जी के खिलाफ जिस तरीके से कार्य हुआ है उसमें दूसरा नाम डाटा में गलत फिट हो गया है, उसकी वजह से FIR के आदेश किए हैं। एक मामला हमारे अकोला के अभयपुरा ग्राम पंचायत का है, जहां 2 वर्ष में 32 लाख रुपए मिला है, 72 लाख रुपए का गबन दिया जा रहा है। इस तरीके से हम लोगों के मान सम्मान पर क्षति हो रही है, ये हम प्रधान लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम 38 प्रधान कमिश्नर साहब को अपना त्याग पत्र देने के लिए आए हैं कि अगर हम दोषी हैं तो हमें जेल भेजा जाए और हमारा त्याग पत्र स्वीकार किया जाए। अभी हम DPRO साहब से मिलेंगे, और अगर DPRO साहब भी अगर कोई निस्तारण नहीं कर पाते हैं तो सोमवार से हम आमरण अनशन करेंगे और अपना त्याग पत्र देकर के ही दम लेंगे। और अगर झूठी शिकायतें किसी भी नियम के तहत हम लोगों की जांच नहीं कराई जा रही है, नायब तहसीलदार को जबकि पंचायत के ग्राम प्रधान की जांच करने का कोई राइट नहीं है, ये विशेष सचिव प्रमुख सचिव के आदेशों का अवहेलना की जा रही है, और नायब तहसीलदार ने जबकि प्रधान पक्ष का पक्ष ही नहीं सुना, जबकि नायब तहसीलदार को अधिकार नहीं है कि वो ग्राम प्रधान की जांच वो करें। बहरहाल ब्लॉक अकोला के प्रधानों ने मंडलायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। प्रशासन की निष्पक्ष जांच में कौन दोषी पाया जाएगा यह तो समय ही बताएगा। 7A न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।